जैसे कि छोड़े हुए आज मुझे जो है वो 10 दिन हो गए हैं। अब ये सेकंड वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 10 दिन बाद की वीडियो है, तो मैं आज आपको दोबारा से शुरू से इसके बारे में सब कुछ बताता हूँ, साइज केज वगैरह का हर चीज़। सबसे पहले मैं एक बात आपको ये बता दूँ, कुछ दोस्त इसको रखते हैं घर के बिल्कुल अंदर, कमरों के अंदर जिसमें सनलाइट नहीं होती। इस बर्ड को या कोई और से बर्ड हो उनको 8 से लेकर 10 घंटे तक, ये 10 से 12 घंटे आप कह सकते हैं, सनलाइट सिर्फ रोशनी, धूप नहीं, ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट धूप लगे, लेकिन सनलाइट, जैसे ये इस वक्त का मौसम है तो धूप नहीं लग रही, धूप बेशक आधा एक घंटा लगे लेकिन सनलाइट होने चाहिए, रोशनी होने चाहिए, ऐसे बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी बर्ड हो। तो ब्रीडिंग के लिए भी अच्छा होता है और इनकी हेल्थ के हवाले से भी अच्छा होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, सारी चीज़ें आपको कवर करूँगा इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा कि इसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाएँ, और जो सवाल आपके होंगे मैं उसको दोबारा कर दूँगा। सबसे पहले इनकी एज के ऊपर बात करते हैं, इनकी एज कितनी होना चाहिए। इसकी एज जो है वो 15 से लेकर 18 मंथ होनी चाहिए जब जाके ये ब्रीड करता है। बहुत सारे दोस्तों की शिकायत होती है कि यार मेरे पास बर्ड 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, ब्रीड नहीं कर रहे। आपको एज कंफर्म होना चाहिए, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि बर्ड एक तो एज कंफर्म होना चाहिए, सेकेंडली उसका मेल और फीमेल कंफर्म होना चाहिए, वरना उसके बाद अगर ये चीज़ें दोनों कंफर्म नहीं होंगी तो वो कभी भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। उसके बाद केज का मैं बता चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूँ, केज कम से कम जो है वो आपका होना चाहिए 2x2 और 3 डायमेंशन आपको 2 फुट की होना चाहिए, मतलब कि 2x2 फुट की उसकी हाइट होनी चाहिए, 2 फुट उसकी विड्थ होना चाहिए, 2 फुट की जो है उसकी डीप होना चाहिए, चौड़ाई भी उसकी, लंबाई भी, लेंथ भी और हाइट भी 2-2 फुट की होनी चाहिए। तो ये बेहतर होता है क्योंकि बर्ड इसमें आराम से उड़ सकता है, और उसके अगर कोशिश करेंगे उसके बाद बॉक्स भी आप बाहर लगा रहे हैं तो बहुत बेहतर है। अच्छा, बॉक्स का साइज़ कम से कम जो है वो, अगर आप उसका बॉक्स लगा रहे हैं, लकड़ी का लगा रहे हैं, मैंने ये कुलिया लगाई हुई है, कुलिया का साइज़ ये तकरीबन जो है वो, तो ब्रीडिंग बॉक्स का साइज़ का मैं बता दूँ आपको, कम से कम जो है कॉकटेल की जो है वो 12 इंची का साइज़ आपके कॉकटेल के ब्रीडिंग बॉक्स का होना चाहिए। आप बॉक्स लगाएं लकड़ी का वो भी सही है, अगर आप हांडी लगाते हैं इस तरह की तो ये भी ठीक है। ये सामने से फ्लैट कलर की हांडियाँ हैं, ये बहुत बेहतर है, मैंने बॉक्स के बाहर उसके केज के बाहर लगाई हुई हैं, और दोनों आगे से फ्लैट हैं, तो इसमें बर्ड जो है बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं। अगर गोल वाली कुलिया हो तो उसमें थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, वो बाहर लग नहीं सकती। ये दोनों कुलियाँ बेहतर हैं, और बॉक्स भी जो है कॉकटेल के लिए बेहतर होता है ब्रीडिंग के लिए, कम से कम उसका साइज़ 12 इंची का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम जो चीज़ आ भी जाएंगे उसको हम कवर तक भी जाएंगे। एज हो गई इसकी, कंफर्म एज हो गई, अगर आपको एज कंफर्म है तो ये ब्रीड सही करेगा आपके पास, वरना आप उसको टाइम दें और उसके बाद वो ब्रीड करेगा। तो सेकेंडली इसके बाद आता है कि अगर आपके बर्ड्स की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर वो कमज़ोर है या उसके ऊपर चर्बी आई हुई है, कमज़ोर है तो ज़रा उसके ऊपर बात करते हैं, अगर वो कमज़ोर है तो वो कभी भी कोई सा भी बर्ड्स हो, वो लव बर्ड्स हो, लोडी हो, कॉकरेल हो, फिशर हो, कोई भी हो, वो अपनी जब तक वो उसकी हेल्थ सही नहीं होगी वो ब्रीड कभी भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये मेरा केज है, ये तो बहुत बड़ा है, ये 2x2 का नहीं है, ये 4 फुट इसकी जो है वो लंबाई है, और हाइट जो है इसकी थोड़ी कम है, मैं आपको शुरू वीडियो में बता चुका हूँ सारी चीज़ें। तो हेल्थ अगर बर्ड्स की अच्छी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी बर्ड्स हो, लव बर्ड्स हो, फ्रेंच हो, जावा, फ्रेंच, एक्स वाई जेड, कोई भी सारी बर्ड्स हो, वो ब्रीड नहीं कर पाएगा जब तक उसकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी। अगर वो हेल्दी है, अपना जिसका होना चाहिए वेट उतना है, हर लिहाज से वो परफेक्ट है, तो वो जानवर ब्रीड करेगा, उसके अलावा वो ब्रीड नहीं करेगा। अंडे जो आपको मैंने बता दिया, इसकी एज जो होती है वो इतने अंडे होती है, एज में देता है। अच्छा, ये मीटिंग जब कर लेता है, मीटिंग के जो है ये 2 वीक बाद जो है वो अंडे देता है। ये बर्ड्स ऐसा है, अगर आप देख रहे हैं कि बर्ड से मीटिंग कर ली है तो ये 2 वीक के बाद ये जो है अंडे देता है। अच्छा, ये अंडे जो देता है इसकी क्वांटिटी जो होती है वो 7 से लेकर एवरेज में बता रहा हूँ, वैसे कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वो भी करते हैं, लेकिन एवरेज जो बात है उसकी मैं बता रहा हूँ आपको, ये 4 से लेकर 7 अंडे देते हैं एवरेज में आते हैं, ये इनकी 7 से लेकर इनकी 8 4 से लेकर 7 की इनकी एवरेज होती है अंडे देने की। अच्छा, इनके बच्चे जो निकलते हैं वो 18 दिन से लेकर 22 दिन के अंदर तक इनके बच्चे निकल जाते हैं। अच्छा, मैं कॉकटेल की आपको एवरेज साइज़ जो बता दूँ, वो एवरेज साइज़ होता है कॉकटेल का, यंग पेयर का, ब्रीडिंग पेयर, उसका साइज़ जो होता है एवरेज जो होता है 12 से लेकर 13 इंची के दरमियान में इसका साइज़ होता है। अगर इससे अगर छोटा साइज़ का है तो वो कुब्बा कहलाएगा, उसको वो क्या कह सकते हैं कि वो ब्रीडिंग नहीं करता। जिनके पेड़ आपने नॉर्मली आप दोस्तों को पता होगा बजरी के अंदर होते हैं, तो पेड़ टेढ़े होते हैं,
और उनके बाजू जो है वो उड़ नहीं पाते, तो वो ब्लड बेहतर नहीं होता, वो ठीक नहीं होता, वो ब्रीड नहीं कर पाता। तो ठीक है, सीना छोटा सा होता है तो वो बट ब्रीडिंग के लिहाज से ठीक नहीं होता। ठीक है, इनका एवरेज साइज़ जो है वो 12 से 13 इंच के दरमियान होता है। अभी ये दोनों बर्ड्स मैंने छोड़ दिए, नीचे वाला भी सेट हो गया है। आप देख रहे हैं इसको उड़ने की जगह काफ़ी अच्छी मिल रही है, क्योंकि 4 फुट का है ये केज, लेंथ जो है 4 फुट की, हाइट थोड़ी कम है इसकी, लेकिन फिर भी अच्छा है, बेहतर है, और 20 इंच जो है इसकी डीप है। तो पूरे पर खोल के ये बर्ड आराम से फ्लाई कर रहा है, अच्छा उड़ रहा है इसके अंदर, आपको अंदाज़ा हो रहा है इस केज का। तो बर्ड जो भी रखें उसको प्रॉपर तरीके से रखें, अच्छी तरीके से रखें, तो वो जल्दी सेट होते हैं, उनको बार बार डिस्टर्ब ना करें। और कोई भी बर्ड हो वो जल्दी सेट होता है, अगर कोई भी बर्ड हो उसको अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो आपको इतनी जल्दी वो रिजल्ट नहीं देगा। अब इसको छोड़े हुए 10 दिन हो गए हैं, तो थोड़ा बहुत ये जो है थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया, कुलिया में भी गया है, 1-2 दफ़ा गया है मैंने देखा, 1-2 दफ़ा, लेकिन ज़्यादा ही गया होगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं अपने बर्ड्स को सेट करने के लिए। अच्छा, इनकी डाइट के ऊपर मैं आऊँ, इनकी डाइट के ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाई है, वो अपलोड कर दूँगा स्पेशली कॉकटेल के लिए, तो वो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर रहेगी। मैं रफली आपको बता देता हूँ, तो सीड्स जो होते हैं मिक्स सीड्स वो होते हैं, इसको लूसेंट डेली बेस पे, भुट्टा डेली बेस पे, और स्प्राउट जो हम लवबर्ड्स को दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब में चलती हैं, वही चीज़ें। और जब बच्चे निकल जाएंगे उसके बाद की बात है, वो हम बाद में कवर करेंगे। जोड़ा इसके अंदर जा रहा है, कुलिया के अंदर जा रहा है जोड़ा, बेहतर हो गया, सेट हो गया। ये वाला जोड़ा जो है वो ये थोड़ा सेट नहीं हुआ, ये थोड़ा सा डर रहा है अभी तक। ऊपर वाला जोड़ा है जो थोड़ा सा फ्रेंडली हो गया है, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो रहा वो। ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स लाइक और शेयर लाजमी करा करें, और जो आपके टॉपिक हों, जो आपकी प्रॉब्लम्स हों, आप मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, या कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपकी जो प्रॉब्लम्स है कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के सॉल्व करने की कोशिश करूँ, और बेहतरी से आपको जो है इसका जवाब, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें आपको जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।